सभी को नमस्कार। सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग मनाने जा रहे हैं। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व ने योग के महत्व को स्वीकार किया है। क्यों, क्या कहते हैं भाई साहब, आप भी जानते हैं, आप योग कर रहे हैं? ठीक है, तो प्रज्ञान जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी आपको ये भी कुछ बताएंगे। तो प्रज्ञान जी, क्या आपने योगा डे चैलेंज में प्रतिभाग किया है, भाग लिया कि नहीं? क्या बनाया था आपने? वीडियो बनाया था आपने। क्या क्या किया था आपने वीडियो में? ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, मकरासन। ठीक है, तो इन्होंने जो है अपना एक वीडियो बनाया हुआ है और उसको अपलोड किया है। मेरा ये वीडियो विशेष रूप से यही है बताने के लिए कि भारत सरकार, आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने ये आग्रह किया है लोगों से कि कोरोना, जैसा कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोरोना का प्रकोप है, इस बार भी तो हम लोग घर में रहते हुए बी विथ योगा बी एट होम, हम लोग घर में रहते हुए योगा करेंगे, अपने परिवार के साथ योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो 21 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके 7:45 यानी 45 मिनट तक हम लोग एक कॉमन प्रोटोकॉल बताया गया है योगा अभ्यास का, तो हम लोग योग करेंगे अपने परिवार के साथ में। आप भी अपने परिवार के साथ योग करिए और आयुष कवच ऐप, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यूपी स्टेट आयुष सोसाइटी फेसबुक पेज पे, सोशल मीडिया का जो पेज है वहां पे भी आप ये प्रोटोकॉल देख सकते हैं। 45 मिनट जो योग प्रोटोकॉल होगा आप इन दोनों जगहों पे देख सकते हैं वहां पे। और उत्तर प्रदेश स्टेट आयुष सोसाइटी आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश के द्वारा एक योगा डे चैलेंज कॉम्पिटिशन किया गया है, जिसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। पहला उसमें वीडियो चैलेंज है, जैसा कि अभी प्रज्ञान जी ने भी बताया कि उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है और अपना वीडियो उन्होंने भेजा भी है। और दूसरा उसमें आर्ट, यानी कि आप कोई पेंटिंग चित्रकला बना के आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा जो है उसमें क्विज। तो इन तीनों के बारे में हम आपसे डिटेल में भी चर्चा करते हैं कि कैसे स्टेप वाइज हम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें विजेताओं को स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इसमें, हर उम्र के लिए, सिर्फ बच्चे नहीं, हर तरीके के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो क्विज कॉम्पिटिशन होगा, उस क्विज कॉम्पिटिशन के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी आप रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे, कैसे करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद 21 जून को दोपहर 1 बजे आयुष कवच ऐप में ही आपको 50 क्वेश्चन दिखाई देंगे और आधे घंटे के अंदर वो आपको क्वेश्चन हल करने रहेंगे, जिसमें योग दिवस से संबंधित, योग से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वहां पे। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको अभी से करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है कि हम लोग वीडियो चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे और आर्ट चैलेंज में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको आयुष कवच ऐप के बारे में बताऊं, थोड़ा सा उसके पहले का जो स्टेप है, आयुष कवच खोलने के पहले अगर आप आर्ट में भाग लेना चाहते हैं, पेंटिंग में, तो पहले अपना एक पेंटिंग, आप फोटोग्राफ जो भी पेंटिंग बनाना है पहले आप उसको बना लें, फिर मोबाइल के कैमरे से फोटो ले लें। दूसरा है, अगर आप वीडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट, 2 मिनट से 4 मिनट का एक वीडियो बनाइए आप योग करते हुए। और उस वीडियो को आपको, उस वीडियो को आपको क्या करना है, फेसबुक सोशल मीडिया पे अपने अपलोड करना है, या ट्विटर पे, या यूट्यूब पे, अपने जो सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पे उसको अपलोड कर देना है वीडियो को। और अपलोड करते समय क्या करना है, मेरे पीछे देखिएगा, उसमें हैशटैग करना है। हैशटैग का ये सिंबल देखिए आपको दिख रहा होगा, हैशटैग बी विथ योगा बी एट होम, हैशटैग योगा विथ सीएम योगी, हैशटैग योगा विथ आयुष यूपी, और हैशटैग IDY 2021, IDY मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये 4 आपको हैशटैग करना पड़ेगा। तो इसको हैशटैग करने के साथ साथ आप फेसबुक पे अपना वीडियो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने को थोड़ा समय लेगा, अपलोड होने में थोड़ा, अगर 4G से कर रहे हैं तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। तो जब अपलोड हो जाएगा वहां से आप उस लिंक को कॉपी कर लीजिए। ठीक है, लिंक कैसे कॉपी होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
देखिए, ये तो यूपी स्टेट आयुष सोसाइटी का ये फेसबुक पेज है जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे कई वीडियोस पड़े होंगे, ठीक है, मैं उसी का एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमको वीडियो जैसे अपलोड कर देते हैं उसका लिंक कैसे कॉपी हो। जैसे मान लीजिए ये वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आपका भी वीडियो वहां पे, आपका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यहां से कैसे कॉपी करते हैं, देखिए कॉपी लिंक आता है ना, ये कॉपी लिंक, तो ये लिंक कॉपी हो गया। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कैसे हम वीडियो का लिंक कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आपका, जैसे मान लीजिए वीडियो आपने अपलोड कर लिया है, वीडियो अपलोड करने के बाद हम लोग वापस आयुष कवच ऐप में जाएंगे अपने मोबाइल में। ये देखिए आयुष कवच ऐप इस प्रकार से खुल जाएगा, आयुष कवच ऐप। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से खुलने के बाद यहाँ पे आता है, देखिए पार्टिसिपेट इन योगा डे चैलेंज आपको दिख रहा होगा, बार बार ब्लिंक हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका ये खुल जाता है एक नया पेज जिसमें देखिए तीन चीजें हैं, योगा वीडियो चैलेंज है, योगा आर्ट चैलेंज है और योगा क्विज चैलेंज है। जैसे आपको वीडियो चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, आपने वीडियो अपना पहले से वहां पे अपलोड कर रखा है फेसबुक पे और लिंक वहां से कॉपी कर रखी है। देखिए यहाँ पे जो बच्चों ने पहले से अपने वीडियो अपलोड कर रखे हैं वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो वीडियो में बच्चों ने पहले से अपलोड कर रखे हैं उसमें सब आपको वीडियो दिख रहे होंगे। ये तो आपको अपना पार्टिसिपेशन करने के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे नीचे आप प्रोसीड पे आ जाइए। फिर इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आता है, देखेंगे आप गैलरी से अपनी फोटोग्राफ ले लीजिए या एक करंट का इमेज आप ले सकते हैं, फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं, तो आपका एक फोटोग्राफ अपडेट हो जाएगा। मेल है फीमेल है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपकी एज कितनी है, किड्स 5 से 18 वर्ष, 18 से 40 वर्ष, 40 से 60 वर्ष या 60 से अबव, ये चार एज इसमें दे रखे हैं। फिर इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, देखिए जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान से देखिएगा अपना नाम लिखना है, फुल नेम, वीडियो टाइटल, आपके वीडियो क्या टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, और जो आपने वहां से लिंक अपना वीडियो अपलोड के बाद जो कॉपी किए रहेंगे उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हालांकि ये दूसरा वीडियो था, हमने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया है किस तरीके से आप वीडियो का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपका जो है पार्टिसिपेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला स्टेप यानी वीडियो वाला जो आपका चैलेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है सेम तरीका रहेगा आपका आर्ट के लिए, हम लोग बैक जाएंगे। जैसे आपको आर्ट के लिए पार्टिसिपेट करना है पेंटिंग वाले में तो आर्ट चैलेंज में आप क्लिक करेंगे, सेम प्रोसेस देखिए यहाँ पर जो बच्चों ने पहले से बना रखा है पेंटिंग वो आपको दिख रहा होगा ये सब। ठीक है, आप पार्टिसिपेट पे क्लिक करिए, देन प्रोसीड, सेम प्रोसेस, फोटोग्राफ अपना अपलोड करिएगा। ये केवल दो वर्गों के लिए है, जूनियर 18 वर्ष से कम आयु के लिए और दूसरा है सीनियर अबव 18 ईयर्स। फिर इसके बाद फुल नेम और यहाँ पे देखिएगा अपलोड फाइल, चाहे तो आपने जो पेंटिंग बनाया है उसकी गैलरी में पहले से फोटो लिए रही है या तुरंत का तुरंत आप जो है अपना फोटोग्राफ उस इमेज का ले सकते हैं जो आपने पेंटिंग बना रखी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड, उसको ऐड कर देंगे तो आपका ये पेंटिंग वाला क्विज में पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने दो चीजें आपको बताई, तीसरा रह गया क्विज वाला। ठीक है, तो क्विज के लिए आप इस पे केवल आपको रजिस्ट्रेशन अभी करना होगा, क्विज आपका स्टार्ट होगा। जैसे हमने देखिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है, तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है 1395, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ठीक है, देखिए 1395 हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। ऐसे जब आप भी इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी से आप जो है क्विज इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं 21 जून को दोपहर 1 बजे से। इसमें अभी से आपको कुछ नहीं, केवल और केवल रजिस्ट्रेशन आपको करना है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप
मेरे फोन नंबर 8318321663, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 8318321663, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और फिट रहिए और घर में रहते हुए योग करिए और इंटरनेशनल योगा डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करिए और ढेर सारा इनाम आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए आप। और हम लोग घर में रहेंगे, योग करेंगे, और योग सिर्फ एक दिन नहीं करेंगे, कब करेंगे? रोज करेंगे। भाई साहब कह रहे हैं रोज करेंगे, लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, ये भाई साहब कितने बजे उठते हैं? सो के 7 बजे। झूठ बोल रहे हैं, जब से लॉकडाउन चल रहा है 1 साल से इनका डेली रूटीन गड़बड़ हो चुका है, लेकिन अब सही हो जाएगा। पक्का? भाई साहब कह रहे हैं कि इनका डेली रूटीन अब सही हो जाएगा। वैसे अब ये उठ रहे हैं, सुबह योग कर रहे हैं और थोड़ा सा ओबेस भी हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। क्यों? सही बात है ना। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लाइव में? कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और योगा करिए। चलिए ठीक है।